हेलो फ्रेंड्स, हम सब स्कूल के दिनों में कुछ ना कुछ मस्ती करते हैं, कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते रहते हैं। मैंने आपने भी अपने स्कूल के दिनों में कुछ ना कुछ शैतानियाँ और मस्ती की होगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कभी वॉशरूम में बॉम्ब लगा आते हैं, कभी टीचर्स को परेशान करते हैं, कभी अपने क्लासमेट्स को परेशान करते हैं। तो इस तरह की मस्तियाँ स्टूडेंट्स स्कूल के दिनों में करते ही रहते हैं, मैंने आपने भी की होगी। ठीक उसी तरह यह कहानी दो दोस्तों की है। ये दो दोस्त किसी स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना आज स्कूल में कुछ मस्ती की जाए। तो उसके लिए उन्होंने पड़ोस से दो बकरियां सॉरी तीन बकरियां पकड़ी। तीन बकरियों में उन्होंने नंबर पेंट किए। पहली बकरी पे उन्होंने नंबर पेंट किया 1, दूसरी बकरी पे उन्होंने नंबर पेंट किया 2, और तीसरी बकरी पे उन्होंने नंबर पेंट किया 4। पहली पे पेंट किया 1, दूसरी पे पेंट किया 2, और तीसरी पे पेंट किया 4। और ले जाके रात में वो तीनों बकरियां स्कूल में छोड़ दी। सुबह हुई, स्कूल लगा, स्टूडेंट्स आए, स्टाफ आया, टीचर्स आए। अब वो बकरियां तो वहाँ धमा चौकड़ी मचा ही रही थी। अब रात भर वहाँ बंद रहने से वो थोड़ा भूखी भी हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे और ज़्यादा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कभी इस क्लासरूम में भागे, कभी उस सीढ़ी पे दौड़े, कभी किसी के ऑफिस में घुस जाए। अब जो सारा स्टाफ था, जो अथॉरिटी थी स्कूल की, वो बड़ा पैनिक में आ गया। उन्होंने शुरू की खोज कि भाई इन बकरियों को पकड़ो, ये कहाँ से आई, ये कैसे स्कूल में घुसी, ये इतना परेशान कर रही हैं सबको, इनको खोज के लाओ, पकड़ के लाओ। तो अब बकरियों की खोज शुरू हुई, उनको पकड़ना शुरू किया गया। तो जैसे तैसे स्टाफ ने तीनों बकरियों को पकड़ लिया। अब फिर उन बकरियों को अथॉरिटी के सामने लाया गया। अथॉरिटी ने देखा कि तीन बकरियां हैं, एक बकरी पे 1 लिखा है, दूसरी पे 2 लिखा है, और तीसरी पे 4 लिखा है। तो अथॉरिटी को लगा कि हो ना हो यहाँ पे चार बकरियां हैं, और हमने 1, 2, 4 तो पकड़ ली है, लेकिन 3 नंबर की बकरी हम नहीं पकड़ पाए, और वो अभी भी स्कूल में कहीं ना कहीं घुसी हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शैतानी या उत्पात वो मचाएगी। अब 3 नंबर की बकरी तो थी नहीं, लेकिन स्टाफ लगा पड़ा था 3 नंबर को बकरी ढूंढने में। पूरी अथॉरिटी बहुत परेशान हो गई, वो स्ट्रेस में आ गए, वो इतना पैनिक में आ गए कि उन्होंने स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी, छुट्टी अनाउंस कर दी। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया कि भाई स्कूल में चार बकरियां घुसी हैं, तीन को हमने पकड़ लिया, 3 नंबर की बकरियों को अभी भी नहीं मिली। अब वो बकरी मिले कैसे, वो तो है ही नहीं। वहां पे उन लड़कों ने यही बदमाशी की थी कि बकरियां सिर्फ 3 डाली थी, लेकिन उन पे नंबर 1, 2 और 4 लिखे थे। और अथॉरिटी उन दोनों लड़कों की इस बदमाशी में फंस गई, और वो बड़े स्ट्रेस में आ गए कि 3 नंबर की बकरी कहाँ है, 1, 2, 4 तो हमने पकड़ ली है, लेकिन 3 नंबर की बकरी मिले कैसे, क्योंकि 3 नंबर की बकरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो फ्रेंड्स, ठीक यही होता है मेरे आपके साथ। मैं और आप भी जो हमारे पास है उस पर गौर नहीं करते, और उन चीज़ों को खोजते रहते हैं जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती या जो हमारे पास नहीं है। हम हमारे पास जो है, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उन पर फोकस नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है, जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, हम हमेशा उनकी ही चिंता करते रहते हैं। हम अक्सर यह सोचने की बजाय कि जो हमारे पास है, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, उनका कैसे बेस्ट यूज़ करके उनको हम अपने फ़ायदे में ला सकते हैं, हम अक्सर अपनी शॉर्टकमिंग्स का रोना लेकर बैठे रहते हैं कि अगर मेरे पास यह होता तो मैं वो कर लेता, अगर मैं वो होता तो मैं ऐसा बन जाता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरे पास कैसा होता। इस तरह का रोना लेकर हम अक्सर बैठे रहते हैं और स्ट्रेस फील करते रहते हैं। दोस्तों, हमको सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी शॉर्टकमिंग्स पर फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं। हम अपना सारा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि मेरे पास क्या-क्या है, और मैं कैसे उन चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, और कैसे उन चीज़ों को बेस्ट यूज़ करके अपने फ़ायदे में ला सकता हूँ। आपको अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर इस बात पर फोकस करना है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को या आपके पास जो है उसको एक प्रॉपर चैनल में डाल पाएं, जिसके थ्रू आपको कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, वो आपके लिए काम करना शुरू कर दें,
और उसके थ्रू आपके जीवन में कुछ सुधार हो पाए। फ्रेंड्स, हमारी हैप्पीनेस भी इसी माइंडसेट पर डिपेंड करती है। आपको हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो हमेशा खुश रहते हैं, खुश दिखते हैं, और दूसरे वो जो कुछ ना कुछ स्ट्रेस अपने दिमाग में हमेशा लिए होते हैं कि मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मैं फैंसी कार कब खरीद पाऊंगा, या मेरी पोजीशन या डेजिग्नेशन कब बढ़ेगी। फ्रेंड्स, एम्बिशियस होना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस हो जाना बहुत ही हार्मफुल है। आप एम्बिशंस रखिए, ड्रीम्स देखिए, उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एफर्ट भी करिए, लेकिन उनका इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि आप अपने आज को एंजॉय करना भूल जाएं। आपके पास आज जो कुछ भी है उसको एंजॉय करना भूल जाएं। इनफैक्ट, आपको सक्सेस और हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप इस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपके पास क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, और आप प्लान करेंगे कि कैसे आप उन चीज़ों का एक बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उन चीज़ों का बेस्ट यूज़ करके आप उन चीज़ों को आपके फ़ायदे में ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टीड ऑफ स्ट्रेसिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड डू द बेस्ट यू कैन विथ व्हाट यू हैव। सक्सेस एंड हैप्पीनेस विल डेफिनेटली कम योर वे। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। कमेंट्स करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कोई नई बात, कोई नया थॉट लेके। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। बाय बाय।